हेलो स्टूडेंट, जैसे आप सबको ये पता है कि आजकल जो हमारी वीडियो आ रही है वो इंग्लिश ग्रामर पे आ रही है, और हमारी जो पिछले चार वीडियो जो हमने बनाई थी, पहली वीडियो सारा हमने इंडेफिनिट बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाई कंटिन्यूस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। जो तीसरी वीडियो थी हमारी परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और फोर्थ एंड लास्ट वीडियो जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और उन सभी वीडियो को आप सबने बहुत ज्यादा पसंद करा। अब ग्रामर की अगली सीरीज के अंदर जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव मीन्स टेंसेस जो आप सबने पहले कर लिए, अगर टेंसेस आएंगे तो ही आपको जो है पैसिव है। इसलिए जहां भी एक्टिव की बात होगी इसका मतलब वो टेंसेस है। एक्टिव ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर काम जो है वो सब्जेक्ट के थ्रू किया जाता है, और एक्टिव की मदद से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे या वॉइस बनाएंगे जिनके अंदर काम जो है सब्जेक्ट से नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट से किया जाता है। तो इसलिए चाहे तो आप इनको पैसिव वॉइस कह सकते हैं या ओनली वॉइस कह सकते हैं। जैसे हमने टेंसेस का इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एक साथ अलग अलग वीडियो बनाया, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर एक वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही बनाएंगे। मतलब आज जो हम बात करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस का जो है पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। और अच्छी ग्रामर सीखने के लिए जितनी जानकारी टेंसेस की होनी चाहिए उतने ही जो है वॉइस या पैसिव वॉइस की होनी चाहिए। तो इसलिए ज्यादा समय ना खराब करते हुए वॉइस शुरू करें। तो हम जो बात कर रहे हैं बात वॉइस की हो रही, लेकिन आज जिस टेंस की हम बात करेंगे वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस क्या बने, मतलब कैसे बने। तो हमेशा वॉइस को बनाते वक्त आप सबको ये ध्यान रखना है कि जिस फॉर्म में एक्टिव सेंटेंस होगा उसी फॉर्म में पैसिव वॉइस होगा। मतलब अगर एक्टिव अफर्मेटिव है तो पैसिव भी अफर्मेटिव ही बनेगा। अगर एक्टिव हेल्पिंग वर्ब वाला है, मतलब नेगेटिव है, तो पैसिव भी नेगेटिव ही बनेगा। अगर एक्टिव हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव वाला हेल्पिंग वर्ब वाला ही बनेगा। और अगर एक्टिव के शुरुआत के अंदर डब्ल्यू एच फैमिली है तो पैसिव के स्टार्टिंग में भी, शुरुआत में भी डब्ल्यू एच फैमिली होगी। लेकिन वॉइस करने से पहले आप सबको यह याद रखना है कि आई मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, इट। मतलब ये सारे सब्जेक्ट हैं
और ये हमारे ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब अगर इनमें से होगा तो पैसिव बनाते हुए इसमें चेंज करेंगे, मतलब अगर आई होगा तो मी में चेंज होगा और अगर मी है तो आई में चेंज होगा। मतलब अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देना है, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट लगा देना। बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अब हम टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम वॉइस की बात कर रहे हैं। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के वॉइस में अगर हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला जो है, ऑब्जेक्ट इज या एम या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मतलब ये सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट। अगर आप ध्यान से हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की थी, मगर हम टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम वॉइस की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज या एम या आर है, और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम एक सेंटेंस की बात करें, आई राइट लेटर्स, ये हमारे पास इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमें इसके फॉर्मेट का इसको बनाना। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हमारे पास आ गया लेटर्स, हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर, हमने देखा यहां जा रहा है इसलिए आर, लेटर्स आर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, लेटर्स आर रिटन बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई, आई का ऑब्जेक्ट मी। इसका मतलब पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करते ही टीचेस इंग्लिश, अगर हम इसका पैसिव बनाते तो हमने देखा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर, इंग्लिश मतलब ए, तो इज, इंग्लिश इज वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश इज टॉट बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्ट हो गया ही। इसी तरह अगर हम बात करते यू बीट्स मी, यू बीट मी, हमने देखा ऑब्जेक्ट मी मतलब आई, आई मी में चेंज होता है, मी आई में, आई आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, आई एम बीटन बाय यू, यू बाय, तो पहले ऑब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, आइए पहले हमारे पास बाय उसके बाद सब्जेक्ट। अब जो हम बात करते हैं अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, तो जो अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसको हम कैसे बनाएं, ध्यान से देखना जरा सर। पहले हमारा ऑब्जेक्ट, उसके हिसाब से चीज या एम या आर प्लस नोट, जो हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर, अब उसके साथ नोट और लग गया है क्योंकि हमारा जो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन गया। अगर हम सेंटेंस की बात करें, यू डू नॉट बीट मी, अगर हम बात करें सेंटेंस की,
क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब आई, आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर में एम, आई एम नॉट, आई एम नॉट बीटन बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यू, यू का यू, आई डू नॉट, राइट हिंदी, ऑब्जेक्ट हिंदी, हिंदी के साथ हेल्पिंग वर्ब या तो इज या एम या आर है, ऑब्जेक्ट हिंदी तो हेल्पिंग वर्ब वाली इज, हिंदी इज नॉट रिटन बाय, आई का हो गया मी, ये हमारा नेगेटिव। फिर बोला जा रहा है कि अगर अफर्मेटिव, अगर पैसिव वॉइस अफर्मेटिव है तो उसका जो वॉइस जो है वो भी अफर्मेटिव, अगर एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव। मगर इस चीज का ध्यान रखना कि जब तक टेंसेस या एक्टिव सेंटेंस नहीं आएंगे तब तक हमसे जो है पैसिव वॉइस भी नहीं आएंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव, मतलब हेल्पिंग वर्ब, और आप सबको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज या एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट, अगर नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अगर मैं सेंटेंस की बात कर रहा हूं, डू आई टीच हिम, डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, Do I not read Hindi? इनकी स्टार्टिंग डू या डस से है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको भी हम हेल्पिंग वर्ब में बनाएंगे। लेकिन पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज या एम या आर है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हमने देखा हेल्पिंग वर्ब यहां डू, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट मतलब हिम, हिम मतलब ही, और ही के साथ से इज, तो ये आ गया इज ही, इज ही, नॉट इसमें है नहीं, तो इज ही नॉट हट गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज ही टॉट, इज ही टॉट बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, तो आई का हो गया मी, तो इज ही टॉट बाय मी। यहां जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज है, लेकिन लगेगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट मतलब अ सॉन्ग, मतलब एक, एक के साथ इज, इज अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग, इसमें नॉट है तो नॉट लगा दे, Is a song not verb की थर्ड फॉर्म sung by she, she का आ गया है, और क्वेश्चन एक्टिव भी क्वेश्चन मार्क वाला है और उसका पैसिव भी। अब जरा ध्यान से देखो, डू आई नॉट रीड हिंदी, हिंदी के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, तो इज हिंदी नॉट थर्ड फॉर्म रेड, लिखते रीड है लेकिन पढ़ेंगे रेड, इज हिंदी नॉट रेड बाय आई का हो गया मी, तो इज हिंदी नॉट रेड बाय मी। फिर बोला जा रहा बार बार, जिस फॉर्म में एक्टिव होता है उसी फॉर्म में जो है पैसिव। अब हम बात कर रहे हैं
डब्ल्यू एच फैमिली, इंटरोगेटिव का डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली में क्या करना है, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब वाला बना रहे हैं वैसे ही बनेगा, बस उससे पहले जो है ये डब्ल्यू एच फैमिली लगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है, बस डब्ल्यू एच फैमिली शुरू में जाएगा। और बार बार बोल रहा है कि जो सेंटेंस दिया जा रहा है वो एक्टिव है, और एक्टिव के अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सब्जेक्ट के हिसाब से, और पैसिव के अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज या एम या आर। अगर हम सेंटेंस की बात करें, जैसे व्हाई डू यू नॉट राइट हिंदी, उसके बाद वेयर डज शी बीट मी, हाउ डू आई नॉट टीचर, जो डब्ल्यू एस फैमिली है ऐसे कैसे, और डब्ल्यू एस फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू या डस, लेकिन हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज या एम या आर, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हिंदी मतलब इज, तो वाई इज, वाई इज ऑब्जेक्ट हिंदी, वाई इज हिंदी, वाई, वाई इज हिंदी नॉट दे रखा है, वाई इज हिंदी Not written by you where के बाद helping verb, helping verb do या does, लेकिन हमें लगाना है इसके हिसाब से I am, तो where am I not नहीं है, तो where am I beaten, where am I beaten by her, ऐसे here are how helping verb है her, her मतलब she, she के हिसाब से is, how is she not third form taught, how is she not taught by I का हो गया मैं, तो जिस फॉर्म में अफर्मेटिव मतलब जिस फॉर्म में हमारा पैसिव हमारा एक्टिव है उसी फॉर्म में पैसिव है, अगर एक्टिव अफर्मेटिव पैसिव भी अफर्मेटिव, अगर एक्टिव नॉट पैसिव भी नॉट, अगर एक्टिव हेल्पिंग वर्ब वाला पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब वाला, अगर एक्टिव डब्ल्यू एस फैमिली तो पैसिव भी डब्ल्यू एस फैमिली। अब कुछ सेंटेंस आपको दिए जा रहे हैं, आप उन सभी सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स के अंदर आप उनका आप आंसर दें, आप देखें ध्यान से, और वो सारे के सारे हमारे इंडेफिनिट के होंगे, लेकिन अब ये मिक्स है हम, ये आपको मैंने अभी बताया कि एक वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही लेके चलेंगे ताकि ज्यादा बड़ी वीडियो ना हो और आपको आसानी से सब कुछ समझ में आए। जैसे आपको बोला था कि अब आप कुछ क्वेश्चन आपको कुछ सेंटेंस दिए जा रहे हैं, अब आप उन सेंटेंसेस को इन जो सेंटेंस दे रखे हैं, आई लाइक मैंगोज, ही गोज टू स्कूल, आई सिंग अ सॉन्ग, राम डज नॉट बीट मी, यू डू नॉट राइट हिंदी, डू यू वॉश क्लॉथ्स, डज ही नॉट कुक फूड, वाई डू आई नॉट बीट मी, वॉट डज ही डू, Where do I not beat me? इन सभी sentences का passive voice आपको हमारे comment box के अंदर लिखना है। और अगर आपको ये video पसंद आई है तो आपको बहुत ही ज्यादा 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 इसको share करना है,
लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स देने हैं और उन बच्चों तक पहुंचाना है जिन बच्चों को इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद ज्यादा से ज्यादा सफल हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा इस वीडियो का फायदा उठाए। तो इसलिए इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सबको हमारे चैनल के बारे में बताएं। क्यों? क्योंकि हमारे चैनल के अंदर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जो चाहे 5 साल का बच्चा हो, चाहे कितना भी उम्र का हो, ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं मिलेगा जो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो। हमारा जो मकसद जो है वो सिर्फ बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने का, उनकी मदद करने का है, ताकि घर बैठ के आप सुरक्षित महसूस करते हुए ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।